हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुराइड। आज 10 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया? ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं एलेक्स एलिस, सर फिलिप डॉल्टन, क्रिश्चियन चैनल एंड डैम पियर्स। ठीक है, तो देखिए एलेक्स एलिस जो है, इनको फुल उनका फुल नेम है अलेक्जेंडर एलेक्स एलिस, इनको एलेक्स एलिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है उच्चायुक्त। उच्चायुक्त और जो है राजदूत और उच्चायुक्त में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए। राजदूत है मतलब एम्बेसडर और उच्चायुक्त आपके हाई कमिश्नर है। तो राजदूत जो होते हैं वो इन जनरल सारी कंट्रीज में होते हैं, बट हम हाई कमिश्नर हम तभी कहते हैं जब किसी जो कोई कंट्री कॉमनवेल्थ की कंट्री है, कॉमनवेल्थ के नेशन की कंट्री, कॉमनवेल्थ नेशन की कंट्री है कोई, तो वहां पे जो लोग जाएंगे राजदूत बन के उनको उच्चायुक्त कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो राजदूत बन के जाएंगे उनको हाई कमिश्नर बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमारे जो पोस्ट है वो सेम है, बट ये डिफरेंस है कि अगर आप कॉमनवेल्थ की कंट्रीज में भेजा जाता है किसी को तो उसको क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर बोलते हैं। अदरवाइज इन जनरल बोला जाता है आपके राजदूत या एम्बेसडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ग्रेट ब्रिटेन में यूके और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन एक्चुअली तीन कंट्रीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तीन कंट्रीज जो है कौन कौन से, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है एंड वेल्स। ठीक है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड एंड वेल्स, ये तीनों कंट्रीज आपको ग्रीन ये पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स, ये जो है पूरा ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। वहीं पर अगर हम यूके की बात करें तो यूके यूके इज मेड अप ऑफ फोर कंट्रीज, चार कंट्रीज है, इसमें कौन कौन से है, स्कॉटलैंड है। ठीक है, स्कॉटलैंड है और इसके बाद फिर आपका है इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो है आपकी क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं यूके। ठीक है, ये यूके का पोर्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी यूके की अगर बात करें तो यूके जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो यूके का एस्टेब्लिशमेंट 1707 में, 1707 में यूके का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट जो यूके नाम है, यूनाइटेड किंगडम नाम है, ये मिला था 1801 में, 1801 में, जब जो आयरलैंड है वो भी शामिल हो गया था यूके में, तो यूके का नाम यूके पड़ गया था। ठीक है, अदरवाइज एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1707 पे हुआ था। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन में ग्रेट जो शब्द है उस पर जो है कुछ डिस्प्यूट है, क्या है? अब देखिए ये जो ब्रिटेन है ना, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ब्रिटेन जो है वो जो है सबसे बड़ा एरिया ब्रिटेन का है, तो इसलिए इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन इसमें डिस्प्यूट ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, यानी कि जो एम्पायर है, वो ये कहता है कि हम लोग बहुत ग्रेट हैं, इसलिए जो है हमें ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो इसमें लेके डिस्प्यूट है। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था इसलिए क्योंकि इसका टेरिटरी जो इसका एरिया है वो काफी बड़ा है और उसे, तो इसलिए इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा गया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर हम ब्रिटिश आइसली की बात करें तो उसमें 6000 आइलैंड्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो है ग्रेट ब्रिटेन ही है। ठीक है, अब जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, अब इसमें हमने देख लिया कि ग्रेट ब्रिटेन में, और कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेट ब्रिटेन में तीन कंट्रीज हैं, इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स। वहीं पे यूके में चार कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड इंग्लैंड, आपका ग्रेट ब्रिटेन में तीन है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड एंड वेल्स, और जो है यूके में चार है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड एक मेरे कंट्री है, एक कंट्री है कहाँ पे, यूके में एक कंट्री है। तो ये डिफरेंस आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अब आगे वाला हम देखते हैं। देखिए इसमें अच्छा एक चीज और है, ग्रेट ब्रिटेन का कैपिटल एक बार देख लेते हैं, लंदन है, और जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन है, करेंसी जो है स्टर्लिंग है। तो बोरिस जॉनसन हमारे यहाँ रिपब्लिक डे के परेड पे आने वाले थे। ठीक है, इनका विजिट होने वाला था लेकिन अब ये कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रैंड है वो बहुत ज्यादा जो है फैल चुका है, इसलिए जो है इनका आना भी नहीं हो पाएगा। तो इंडिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिपब्लिक डे परेड पर अब की बार कौन आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि कोई ना कोई जो है बाहर से हमारे यहाँ रिपब्लिक डे के परेड पे कोई डेलीगेट आते हैं। तो अब की बार कौन आएंगे ये हम देखेंगे। अब नेक्स्ट है, विच विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, फ्रेट बिजनेस एंड डेवलपमेंट पोर्टल, किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है, कभी कभी आपने गाड़ियां देखी होंगी तो वो जो है सामानों से लदी होती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी रेल है और इसमें बहुत सारे सामान जो है ऐसे लदे होते हैं ऊपर, है ना, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं। तो ये जो है फ्रेट है, ये जो माल है आपका, ये जो सामान है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। ठीक है, अब ये सब बहुत कॉमन सी चीजें, अगर कोई सामान बहुत इजीली बहुत जल्दी से जो है ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, पहले 5 दिन लगता था, आप सिर्फ 2 दिन में हो जा रहा है, और आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर ले रहे हैं कहाँ पे क्या समस्या आपको समझ में आ जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर ये डिस्टेंस तय करती थी, जैसे मान लीजिए ए डेस्टिनेशन है और ए से बी तक पूरा ये लेके जाता था, तो आपको अभी पूरा जो है कहीं ये रुकना नहीं पड़ेगा, आप सीधे यहीं पे चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ट्रांजिट है, यहाँ पे सी पे आपको रुकना पड़ेगा, तो सी को फिर आपका माल सारा उतारना पड़ेगा आपका,
और इसको जो है उतार के फिर से जो है सी पे लेके आना पड़ेगा पूरा, जहाँ पे प्रॉपर पोर्ट है, और वहां से फिर बी को आप जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और आपका पूरा ओवरऑल आपका खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा। तो इकोनॉमिक होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो है स्टेब्लिश किया गया है, इसको इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये जो है यही आपकी, इसकी मैं बात कर रही थी, ये आपकी रेलवे है और ये जो आपके सामान है जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो ये जो है प्रमोट किया जाएगा वन स्टेप सिंगल विंडो। ठीक है, एक स्टेप में ही आपको काम करना पड़ेगा, एक ही विंडो पे बार बार दूसरे विंडो तीसरे विंडो आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है अनाउंस किया गया है, रेलवे मिनिस्ट्री मिनिस्टर है जो पीयूष गोयल, उन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्टेप है, जो हमारे कस्टमर सेंट्रिक चीजें बात की गई है इसमें, जो रिड्यूस होगा कॉस्ट का, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट मैंने बताया, जो ट्रांजिट पे आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है गेम चेंजर होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो ये पीयूष गोयल जी है, उनका कहना है। तो इसके बारे में जो है ये फ्रेट आपका जो है क्लाइंट्स है उन्हीं को समर्पित ये पूरा आपका ये। अब हमारा नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर प्रशासन के किन दो शहरों में आईटी टावर स्थापित करने के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज साइन एन एमओयू विद द एनबीसीसी टू सेट अप आईटी टावर्स इन विच टू कंट्रीज, कौन सी कंट्री में, विच टू सिटीज। तो जम्मू कश्मीर के दो सिटीज कौन कौन सी, ऑप्शन हमारे हैं जम्मू एंड पुंछ, कटरा एंड डोडा, श्रीनगर एंड पुलवामा, और लास्ट ऑप्शन डी है जो हमारा वो है जम्मू एंड श्रीनगर। ठीक है, तो जम्मू एंड श्रीनगर इज द राइट आंसर। यहीं पे जो है दो आईटी टावर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, कहाँ पे, जम्मू एंड श्रीनगर में। जम्मू के बारे में समझते हैं, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, दो राजधानी यहाँ पे, दो कैपिटल्स हैं, समर कैपिटल है श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल है जम्मू। ठीक है, राज्यसभा में 4 सीट्स हैं, लोकसभा में 6 सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में 114 114 सीट्स हैं। चीफ जस्टिस अभी यहाँ 2021 में जो इनको नियुक्त किया गया है पंकज मिथल जी हैं, हमने कवर भी किया था, और जो गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है। ठीक है, दाचीगाम नेशनल पार्क यहीं पे है, हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में है, किस्तवाड़ नेशनल पार्क यहीं पे है, सिटी फॉरेस्ट इसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं वो भी यहीं पे है, वूलर लेक, डल लेक, ये सारी चीजें जो है कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा जिसे 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, वह किस देश से हैं। तो टेनिस प्लेयर है डगमारा बास्कोवा, हु हैज बीन बैंड फॉर 12 इयर्स, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ, किस कंट्री से हैं। तो ये देखिए ऑप्शन हमारे पास है अर्जेंटीना, स्लोवाकिया, स्पेन एंड ब्रिटेन। तो सही उत्तर होगा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो क्या है, ये आपकी जो राजधानी स्लोवाकिया है कि वो ब्रिटिश सेल्वा जो है यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से बिलोंग करती है, कुछ जो है इनकी ऐसी प्रैक्टिसेस थी, इलीगल प्रैक्टिसेस की वजह से इनको जो है बैन किया गया है, डगमारा वास्कोवा को, स्लोवाकिया से ये बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन से एक फर्म है टॉप 10 वीपीएन, क्या फर्म है टॉप 10 वीपीएन, उसके अनुसार 2020 में इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसे हुआ, किस कंट्री को हुआ। तो अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ड फर्म टॉप 10 वीपीएन, विच कंट्री सफर्ड द बिगेस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड इन 2020 ड्यू टू द इंटरनेट शटडाउन। तो ये आपका ऑप्शन है बेलारूस, यमन, इंडिया एंड चाइना। तो राइट आंसर इज इंडिया। ठीक है, इंडिया जो हमारा भारत देश है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हैं और मोस्टली हमारी जितनी भी बिजनेस की चीजें हैं हम उसी से हमने अटैच किया हुआ है सारी चीजें, तो नेटवर्क के इंटरनेट के शटडाउन की वजह से यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा नुकसान हमारे इंडिया को ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ वायु एक गैर आक्रामक वेंटिलेटर है जिसे हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये देखिए, स्वस्थ वायु इज अ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, वॉज डेवलप्ड बाई हूम। ऑप्शन हमारे पास है DRDO, CSIR, ISRO और IIT मद्रास। तो राइट आंसर इज CSIR। ठीक है, CSIR। अब देखिए क्या होता है कि ये एक स्वस्थ वायु एक वेंटिलेटर का नाम है, एक मशीन है एक्चुअली। ठीक है, एक मशीन है, जैसे मान लीजिए कि COVID-19 के पेशेंट है या और कोई लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ है, तो उनके जो लंग्स लंग्स होते हैं ना, तो लंग्स में जो एल्वेलाई होती है, छोटी छोटी एल्वेलाइज होती हैं, वो जो है प्रॉपर फंक्शनिंग उनकी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जो है हमें सांस लेने में, इनहेल और एक्सहेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो एयर का इनटेक और उसको जो है बाहर करना, ये जो आसान बना देगी। सबसे अच्छी और चीज क्या है इसमें, इसमें एक देखिए, ये जो है आपका ये आपको जो है कोई बाहर से असिस्टेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि कोई नर्स या कोई ऐसा एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी टू यूज मशीन है ये। ठीक है, तो ये सारी जो है बेनिफिट्स हैं आपके स्वस्थ वायु के, और ये जो है मशीन है ये मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया।
संस्थान के बारे में बात करें तो पेरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाउंडर है अकोट रामास्वामी एंड शांति स्वरूप भटनागर। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 6 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942। प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर, और जब भी जो भी प्रेसिडेंट नए होते यहाँ के जो सीएसआईआर के प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। जब भी कोई चेंज होके आता है तो वही जो है इसका प्रेसिडेंट बन जाता है। डायरेक्टर जनरल जो है शेखर सी मांडे। और सब्सिडरीज जो है, सब्सिडरीज मतलब इसकी ब्रांचेस जो एसोसिएटेड है सीएसआईआर से, तो वो 38 जो है लेबोरेटरीज हैं, 29 आउटरीच सेंटर्स हैं एंड 3 इनोवेटिव सेंटर्स हैं। लोकेशन क्या है? लोकेशन है अनुसंधान भवन रफी मार्ग दिल्ली। ठीक है, अनुसंधान भवन 2 रफी मार्ग दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग परमानेंटली सस्पेंडेड द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खाते को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? स्थायी रूप से, याद रखिएगा, अस्थायी नहीं है, स्थायी रूप से किसने निलंबित किया है? तो देखिए, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, इंस्टाग्राम और आपका जो है लिंक्डइन, तो ये ट्विटर ने किया है। हालांकि फेसबुक ने भी अस्थायी रूप से किया है, लेकिन ट्विटर ने स्थायी रूप से कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का आप जानते हैं किस तरीके से उनके स्टेटमेंट्स रहते हैं, और इसी टाइम में 20 जनवरी को इसको जो जो बाइडेन है उनका शपथ ग्रहण होगा, तो ये सारी चीजों को कंसर्न को देखते हुए इनके अकाउंट को जो है क्या कर दिया गया है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अस्थायी रूप से नहीं, स्थायी रूप से ट्विटर ने किया है और अस्थायी रूप से फेसबुक ने किया, तो ये ध्यान रखिए। अब आज देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है जीके का क्वेश्चन है, ये 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इससे करंट अफेयर्स जो एसोसिएटेड है वो देख लेते हैं। तो इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो जो है कैसे मनाया गया? वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ऑर्गेनाइज किया 9 जनवरी को कल, तो वर्चुअली किया गया है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में, कब? 2003 में, 2003 में जो है पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया गया था 2003 में। ठीक है, और उसके बाद ये क्यों मनाया गया? किस उपलक्ष्य में? जो सबसे जो है ग्रेटेस्ट प्रवासी जिनको बोलते हैं वो है गांधी जी, उनके आगमन पे साउथ अफ्रीका से इंडिया में लौटे थे 1915 में, 1915 में, तो इसलिए 2003 से मनाया जाता है। और 2003 में इसकी वेन्यू थी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में मनाया गया था इसको, दिल्ली जो है इसकी वेन्यू थी। ठीक है, उसके बाद जो है 2019 की बात करें तो 19 में जो वेन्यू थी वो आपका है, आपका था वाराणसी। आपको पता होगा कुंभ मेला था, तो उसी में ये सोचा गया था कि कुंभ मेले में लोगों को जो डेलीगेट्स हैं उनको बार बार आना जाना ना पड़े, वो कुंभ मेले में आएंगे वहाँ पे, तो कुंभ मेला भी देख लेंगे। तो ये सारी चीजों को समझते हुए अपने कल्चर को जो है और बढ़ावा देने के लिए जो वाराणसी में रखा गया था। ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, जो बाहर रहते हैं, भारतीय हैं लेकिन वो बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के डेवलपमेंट में उसको रिकग्नाइज करने के लिए मनाया गया था। 1915 में महात्मा गांधी जो ग्रेटेस्ट प्रवासी इनको कहते हैं, ये साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और एक्चुअली क्या होता है कि हमारे गांधी जी हैं वो बाहर जब आते हैं तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करते हैं और बहुत सारे जो हमारे इंडियंस हैं उनकी लाइफ को बदल के रख देते हैं वो। तो इसलिए जो हम इस क्वेश्चन को 9 जनवरी 9 को हम 2003 से हम सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया था। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस थीम जो है वो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन आत्मनिर्भर भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन आत्मनिर्भर भारत ये है। और वर्चुअली 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पहली बार दिल्ली में 2003 में ऑर्गेनाइज किया गया था, 2019 में इसको वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में कोविड 19 के लिए 2113 करोड़ का समर्थन किया है? रिसेंटली विच कंट्री, फॉलोइंग कंट्री हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, है कमिटेड नहीं, कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 2113, 2113 रुपए सपोर्ट फॉर द कोविड 19 रिलीफ एफर्ट्स इन इंडिया। किसने किया? ऑप्शन हमारे हैं फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो देखिए, जापान ने जो है सपोर्ट किया है इंडिया को। ठीक है, किसके लिए? ये जो हमारे कोविड 19 है उसके जो है सपोर्ट में जापान ने जो है इतना हमें क्या किया है, हमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बारे में समझते हैं, जापान जो है, अब पहले बात तो हम जापान में कुछ आइलैंड्स हैं, ये 4 आइलैंड्स हैं जापान में, उसको हम देखते हैं तो होकैडो है, ठीक है, होनशू है, क्योशु है और सिकोकू। होकैडो, होनशू, क्योशु और सिकोकू। तो सिकोकू जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पर। सिकोकू क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड है, देखिए, सॉरी, होनशू इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ये जो है आपका बिहार के क्वेश्चन में आ चुका है, सिकोकू नॉर्दर्न है और होनशू इज द लार्जेस्ट। तो होनशू इज द लार्जेस्ट एंड मेन आइलैंड ऑफ द जापान, लाइंग बिटवीन द पैसिफिक ओशन ईस्ट और एंड द सी ऑफ द जापान वेस्ट। तो ये जो है पैसिफिक ओशन ईस्ट में और सी ऑफ द जापान वेस्ट के बीच में है होनशू, और ये सबसे बड़ा जो है जापान का आइलैंड है। ठीक है,
तो जापान एक स्ट्रेटो वॉल्केनिक आर्किपेलेगो है, ठीक है। स्ट्रेटो वॉल्केनिक आर्किपेलेगो, स्ट्रेटो वॉल्केनिक मतलब क्या होता है, जब वॉल्केनो, जैसे मान लीजिए ये वॉल्केनो है, और वॉल्केनो इसमें जब बीच, जब ये चीज अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब बाहर निकल जाता है इरप्शन के फॉर्म में, इरप्टेड फॉर्म में, तो उसको हम लावा बोलने लगते हैं। ये जो है एक्चुअली ये जलता हुआ, बिल्कुल खौलता हुआ जो हमारा पार्ट होता है, इसको मैग्मा अंदर बोलेंगे, बाहर लावा। और ये क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली एक्सप्लोड नहीं होता है, एक्सप्लोड होता है, फिर बंद होता है, फिर एक्सप्लोड होता है, ऐसे ही इसका इरप्शन चलता रहता है। और बाद में क्या होता है, उद्भेदन बोलते हैं हिंदी में, तो बाद में ये जो है क्या होता है, ये कवर कर लेता है, इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड हो जाता है, मतलब एक लेयर है, फिर जो है दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, ऐसे जो है पूरा लेयर बन जाता है। तो ऐसे ही जापान बना हुआ है। और एक्चुअली देखिए ये बहुत ही ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो ये जब फैल नहीं पाता पूरा, जो है स्प्रेड नहीं हो पाता, उसके पहले ही ये कंसोलिडेट हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जापान के बारे में। कैपिटल टोक्यो है, यहाँ के एम्परर हैं नोरिहितो, और प्राइम मिनिस्टर जो है योशीहिदे सुगा, ठीक है। पहले कौन थे, शिंजो आबे थे, लेकिन योशीहिदे सुगा हैं अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। लेजिस्लेचर जो है वो नेशनल डाइट है, और जो हमारा यहाँ का करेंसी है वो जापानीज येन है। क्या है, जापानीज येन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के तीन महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, तो ये नहीं वाला बताना है हमें। तो रिसेंटली इंडिया हैज बीन आस्क्ड टू चेयर थ्री इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ आतंकवाद निरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति, विकास नीति समिति, यानी कि काउंटर टेररिज्म समिति, तालिबान सैंक्शन समिति या कमेटी, लीबिया सैंक्शन कमेटी, कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी। तो देखिए जो कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है, कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसी का जो है इंडिया उसको चेयर नहीं करेगा। तो ये हमारे जो है आज के क्वेश्चन थे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये 10 क्वेश्चन आज हमने पूरा किया है, तो ठीक है, कल क्वेश्चन जो नए हमारे क्वेश्चन होंगे 11th के, उसको हम लेके मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।